सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर के ओटीएस, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेपर लीक प्रकरण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश एन भटनागर सीधा हमसे लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, देखिए पेपर लीक प्रकरण काफी बड़ा राजस्थान का एक मुद्दा पिछले कई दशकों से रह चुका है, जिसका अभी तक देखा जाए तो निस्तारण नहीं हुआ है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, एसओजी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है पहले इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए फातिमा, आपको बता दें कि जो आज की जो बैठक है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक है। देखिए क्या है, एक सीधे तौर पर युवाओं से बेरोजगारों से जुड़ा हुआ ये मसला है। लोकसभा चुनाव में जो है अब पार्टियां जाने वाली हैं, और ऐसे में जो देखा जाए कि जो भजनलाल सरकार है, आते ही जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद से ही जो है एक्शन मोड में भजनलाल सरकार नजर आ रही है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, उनके ऊपर कितना अनुसंधान हुआ है, जांच में कहां तक जांच पहुंची है, और किस तरीके से आगे जो है उसकी कार्य योजना रहने वाली है पुलिस की, इन सारी चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री आज एक अहम बैठक ले रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू जो है वो उसमें है, वीके सिंह जो है वो वहां पर हैं, और अब तक का जो एसआईटी के द्वारा किया गया जो जांच है उसकी जो है वो रिपोर्ट उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पेश की है। साथ ही क्या कुछ लेकुनाज हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ परेशानियां उनको आ रही है इस जांच को आगे बढ़ाने में और त्वरित गति से बढ़ाने को लेकर, तो सीधे तौर पर नफरी की कमी जो है वो सामने आई है, और उसके साथ साथ एसआईटी में जो है वो और जिलों में भी एसआईटी के गठन की बात जो है वो पुलिस विभाग ने रखी मुख्यमंत्री के साथ। तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री शायद इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं कि अब हर जिले के अंदर जो है एक एसआईटी विंग का गठन कर दिया जाए, ताकि जो इस तरीके के जो बड़े मसले हैं उनके ऊपर जो काम एसआईटी कर रही है उनका जिले में भी अगर होगा तो ऐसे में जांच जो है वो त्वरित गति से हो सकेगी और आसानी उसमें हो सकेगी। तो इसको लेकर एक बड़ा जो है वो फैसला आज हो सकता है। आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जैसे कि बात सामने आ रही है, संभावित है 5 बजे आज कैबिनेट की बैठक जो है वो हो सकती है। उसके अंदर जो है जिलों में एसआईटी गठित करने को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो मुहर लगा सकते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। तो अब तक क्या कुछ जो हुआ है, क्योंकि देखिए युवाओं से जुड़ा मसला है और लगातार मोदी भी जो है वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि उनके परिवार के अंदर जो है तो वो और उनकी जो कोशिश है वो है कि युवाओं से जुड़ी हुई, गरीब से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई और किसान से जुड़ी हुई, उसके ऊपर पूरी तरीके से सरकार का फोकस है। तो युवा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार जैसा हमने देखा है कि लगातार बीजेपी जो है वो मतदाताओं को और नव मतदाताओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, और ये जो मसला है युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के करियर से जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से लगातार पिछले सालों हमने देखा और पिछली सरकार में देखा कि किस तरीके से पेपर लीक हुए एक के बाद एक और उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, इसको लेकर मुद्दा बनाया गया और विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के साथ बीजेपी उतरी, और उसका इंपैक्ट यह है कि बीजेपी जो है सत्ता में लौटी है। और जैसे ही सत्ता में लौटी मुख्यमंत्री ने अपनी पहली ही मीटिंग के अंदर एसआईटी का गठन किया, तो कितना इंपॉर्टेंट यह मसला हो सकता है यह हम इसी कदम से हम जान सकते हैं। तो मुख्यमंत्री इसमें कोई कोताही नहीं रखना चाहते हैं और इसको युद्ध स्तर पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर हर मंच से कहा है कि वो जिन कामों को लेकर आए हैं उसमें 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, जो उनका मैनिफेस्टो है उसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, युद्ध गति से जो है वो काम किया जाएगा। तो अब एसआईटी इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो लोगों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाए, यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य, ताकि जो युवाओं में जो एक निराशा का भाव है उसको जो है वो दूर किया जा सके। ये एक महती जो है वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपनी समझ रहे हैं और उसी को लेकर जो है लगातार फीडबैक ले रहे हैं। फातिमा, दुर्गेश, हमने देखा है कि इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त पाए गए हैं, इसको लेके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन पे अभी भी इसको लेके एक्शन चल रहा है, जिन पे केस चल रहा है, लेकिन अभी भी वो कार्यकाल में उपस्थित हैं, अपना कार्यकाल निभा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, इन सारी चीजों को लेके ही ये अहम बैठक है और किसी भी कर्मचारी को, किसी भी जो अधिकारी है जो इसमें संलिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके ऊपर जो है वो चलेंगे। और उन्होंने एसओजी में जो अधिकारी और जो कर्मचारी राडार पर हैं उनका भी फीडबैक लिया है, उनको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उनके ऊपर जब पूरे उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे होते हैं उनको भी माफ कीजिएगा सलाखों के पीछे जो है वो किसी भी कीमत पे लाया जाएगा और यही कोशिश है। तो इसलिए एसओजी से भी जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी जो हैं इन सारी चीजों में इन संलिप्त हैं और क्या क्या जो है वो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और कहाँ क्या कुछ कमी है। तो एसओजी को भी जो है पूरी तरीके से फ्री हैंड कर दिया गया है, एसआईटी को फ्री हैंड कर दिया गया है ताकि वो जल्द से जल्द इन सारे मामलों को लेकर एक्शन में ले, ताकि एक जनता में जो कानून और व्यवस्था को लेकर जो एक निराशा पिछली सरकार में भाव बढ़ गया था उसको किस तरीके से दूर किया जा सके और वापस से जो है वो कानून का इंकलाब जो है वो कैसे लाया जा सके उसको लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री एसओजी की भी जो है वो फीडबैक लिए हैं और किस तरीके से वो आगे काम कर रहे हैं और आगे की कार्य योजना क्या कुछ है उसको लेकर जो है वो पुलिस अधिकारियों से समीक्षा भी कर रहे हैं, उनकी बैठक भी ले रहे हैं, उनके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पे आज एसआईटी की टीम का गठन भी कर दिया गया और उसकी फीडबैक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं।